अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क. ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक एंड द पेज नंबर इज 23, सबक नंबर 6 एंड द टॉपिक इज अदाबे जिंदगी. टॉपिक इज अदाबे जिंदगी. आप अदाबे ज़िंदगी की रीडिंग कर रहे थे. कुछ रीडिंग हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं. उस रीडिंग में आपको बताया गया था कि इस स्टोरी में जो बच्चे हैं वो अपनी दादी अम्मा से रोज़ कहानी सुनते हैं. लेकिन एक दिन जब उनकी दादी अम्मा नमाज से फ्री हुई तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको कहानी के बजाय ज़िंदगी गुजारने के कुछ तरीके बताऊँगी. बच्चों को बताया गया कि इन तरीकों पर अमल करके आपको खुशी मिलेगी और सब लोग आपको पसंद करेंगे. सो, हम नेक्स्ट देखते हैं कि दादी अम्मा ने ऐसे कौन से तरीके बताए जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद थे, जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं. सबसे पहले तो दादी अम्मा ने उन्हें बताया था कि हमेशा सच बोलना है, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना है, दूसरों की मदद करनी है और दिन रात मेहनत करके अच्छे नंबरों से कामयाब होना है तो सब आपसे मोहब्बत करेंगे. सो, आज देखते हैं आज के टॉपिक में दादी अम्मा क्या बता रही हैं. बच्चों में से अली बोला, दादी अम्मा हम ऐसा क्या करें कि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो? अब दादी अम्मा ने ये तो बता दिया कि हम ये सारे काम करेंगे तो उस्तादजा, रिलेटिव्स और पेरेंट्स हमसे खुश होंगे. अब अली ने देखें कितना अच्छा सवाल किया है कि दादी अम्मा ऐसा हम क्या करें कि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो जाए. दादी अम्मा ने जवाब दिया, जो लोग अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हैं अल्लाह ताला उनसे खुश होता है. स्टूडेंट्स देखें, अल्लाह ताला के साथ हमारा जो भी मामला है अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है. वो बहुत मेहरबान है, वो अपने साथ किया हुआ हर मामला माफ़ कर देता है. लाइक हम गुनाह करते हैं फिर उससे माफ़ी मांगते हैं, वो हमें माफ़ कर देता है. लेकिन अगर हम अल्लाह ताला के बंदों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा. यानी अल्लाह ताला के बंदों को अगर हम पूछेंगे नहीं तो अल्लाह भी हमें नहीं पूछेगा. हसन बोला, दादी अम्मा हम दूसरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? दादी अम्मा बोली, अगर आप सबको सलाम करें, वालदेन का कहा माने, हमेशा सबका एहतराम करें, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, गरीबों की ज़रूरत का ख्याल रखें, बूढ़ों और कमज़ोरों की मदद करें, तो इसी तरह से आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं. लोगों के काम आना और ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है. अब देखें बेटा, दादी अम्मा ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि अगर हम सबको सलाम करेंगे, चाहे वो आपसे बड़ा है छोटा है, अपने वालदेन का हमेशा कहना मानेंगे, जो भी वो कहेंगे उनकी बात मानेंगे, सबका एहतराम करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो हमसाए हैं, हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, हर चीज़ उनके साथ शेयर करेंगे, गरीबों की ज़रूरत का ख्याल रखेंगे, बूढ़ों और कमज़ोरों की मदद करेंगे, तो इसी तरह से हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं. यानी इन सब बातों पर अमल करके हम दूसरों का ख्याल रखेंगे और लोगों के काम आना और ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है. यानी अगर आपके पास कोई गरीब हो, अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे इस बारे में सवाल करेंगे. अगर कोई बूढ़ा है, कमज़ोर है, आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो भी अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि आपने मेरे इस बंदे की मदद क्यों नहीं की. तो हमने इन सब बातों पर अमल करना है. दादी अम्मा बच्चों को प्यार करते हुए पूछने लगी, आप में से कौन कौन अच्छा इंसान बनना चाहता है? सब बच्चे यक जबान होकर बोले, यक जबान मतलब एक ही बारी में बोले, हम सब. दादी अम्मा ने बताया कि ये सारी अच्छी अच्छी बातें अदाबे ज़िंदगी हैं, जिन पर अमल करके आप सब अच्छे इंसान बन सकते हैं. ऐसे ही लोगों से लत खुश होता है. सो स्टूडेंट्स, आपने भी जितनी ये बातें पढ़ी हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन सब बातों पर अमल करेंगे.
अगर आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने माशरे में अच्छे शहरी बनकर रहना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को, इस रीडिंग को आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपनी ज़िंदगी के असूलों में शामिल कर लेना है। आपने इन सब बातों पर अमल करके अच्छे इंसान बनना है। सो अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, इन सारी बातों पर अमल करना है। आई होप कि आप सब मुझे मायूस नहीं करेंगे, इन सब बातों पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।